Ab auf die Pferde. Arbeite. Und arbeite. मैंने तीन लोगों को स्टेज पे बुलाया है आप बताइए कि उनमें से लड़की लड़का कौन कितने हैं दो लड़कियां हैं एक लड़का है ओके और उन्होंने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं इन्हें ग्रीन सलवार कुर्ता दुपट्टा पहना है इन्हें पर्पल एंड वाइट इन्हें पीला भी है साथ में इन्हें जीन्स और शर्ट पहनी है रेड एंड वाइट में शर्ट है चेक में और ब्लू जीन्स ओके मोना 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 जस्ट कॉल आई वांट टू कॉल सम रैंडम पर्सन क्वीन खान यू वुड लाइक टू कॉल देम या अरे या तू या यू कम आप आओ और या वो लेडी जो देख ही नहीं रही है हाँ आओ हाँ तुम जाओ ओके रंजना मैंने ऑडियंस से कुछ लोगों को स्टेज पे बुलाया है आपको मुझे बताना है उसमें से कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं दैट्स इट ये लड़की है एक दो लड़के हैं वाओ और कपड़े इन्होंने जीन्स और शर्ट पहनी है येलो कलर की शर्ट है ब्लू लाइट ब्लू जीन्स है इन्होंने शर्ट और जीन्स पहनी है ब्लू कलर की जीन्स है पर्पल एंड वाइट चेक शर्ट है और इन्होंने भी जीन्स और कुर्ती पहनी हुई है पिंक कलर और वाइट की कुर्ती है ब्लू जीन्स अमेजिंग सुपर थैंक यू अच्छा अभी वन मोर टेस्ट मैं आपके सामने नहीं मैं अपने पास थोड़ी बुक्स रखूंगी आप मुझे बताना उन बुक्स के बारे में कि अंदर क्या लिखा है कौन है क्या बना हुआ है ओके मेरे हाथ में क्या है इस वक्त पेपर है एंड कॉमिक्स वो इसके फ्रंट पेज पे क्या बना बोला थोड़ा ऊपर रखा नीचे से शायद ना पढ़ ले इसके फ्रंट पेज पे क्या है इसके फ्रंट पेज पे लिखा है कितने कूल हैं हम सलमान खान बैरस इन ऑल एकता इज नॉट ए डैमी गुड स्मृति ईरानी माय इंडिया सॉरी मेरे पास एक किताब है मोना Can you give it to her? Yeah, one second. एक मिनट तुम्हारा अभी और इम्तिहान लिया जा रहा है ओके आई कांट बिलीव दिस ओनली दैट ये ऐसा करिश्मा हमने देखा नहीं है एक और एक करिश्मा अच्छा अभी मैं किताब लेके खड़ी हूँ मेरे हाथ में है नहीं है आपकी लेफ्ट में कौन है और उनके हाथ में कुछ है हाँ बुक है कौन से रंग की है ब्लू ये क्या हो रहा है अच्छा एक बताओ इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है There's trouble in the city. इससे बड़ा इससे ज्यादा इम्तिहान और लिया नहीं जाएगा अनु जी एक मिनट एक और टेस्ट लेते हैं गो टू पेज नंबर 184 नहीं इनको जाने दीजिए ना गो टू पेज नंबर 184 एंड रीड समथिंग मोना आयु शुआ उसे नीचे से दिखाई नहीं दे रहा कुछ नहीं दिख रहा पक्का तूने आंखें बंद करके कॉटन लगाया था पेज 184 लाइन नंबर 8 फ्रॉम टॉप पढ़ो कल रिमूव योर हैंड मे बी देयर वाज नो वे इट कुड कम आउट आई श्रिंक दैट गर्ल वाओ
दिस फरा फरा आंख पर पट्टी प्लस इसके नीचे भी पट्टी है प्लस मैंने अपने हाथ रखा है एंड स्टिल पढ़ रही है दिस इज अमेजिंग माय गॉड Full on. Wow. ये कैसे किया? नहीं मगर रंजना मेरे को समझना है जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं तुम्हें फिर भी वो दिखाई देता है जैसे हमें आंखें खोलकर दिखाई देता है तुम्हें वो पेज कलर वो दिखाई देता है कि तुम्हारे ब्रेन में होता है कि आंखों पर दिखाई देता है कैसे होता है ये बस आंख बंद करती हूँ सब कुछ सामने आ जाता है ऐसे दिखता है लेकिन आप पूरा मैं अपनी आंखों के सामने हाथ ऐसे रखने नहीं दे रही थी तो क्या हो रहा था वो यू विजुलाइजिंग क्योंकि जैसे अगर आप आंख खोल के अगर आप पढ़ेंगे हाँ. तो आप हाथ रख के तो नहीं पढ़ पाएंगे ओके इसलिए वो तो क्लोथ था वो कपड़ा था वो इसलिए मैंने था जैसे मैंने कहा कि आप लोग जैसे आंख खोल के पढ़ते हैं वैसे मैं आंख बंद करके पढ़ूंगी ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि 12 साल की ये उम्र ये 12 साल की उम्र की लड़की नहीं ये तो करिश्मा बोले कोई कितना भी आगे देखना चाहे और कितना भी आंखें खोले मैं कहता हूं तेरी आंखों में रब बैठा है बस रब ही बोले थैंक यू सर आपके पेरेंट्स आपके साथ आए ना हाँ सर आर यू प्लीज स्टेज पे आइए आपने जब पहली बार ये फाइंड आउट किया कि आपके बेटे ऐसे पढ़ सकती हैं तो आपको क्या महसूस हुआ बहुत आश्चर्य हुआ हम लोग उसमें इलाहाबाद में थे ज्ञानपुर आए अपने हस्बैंड को फोन किया तो इन्होंने जो है सब पत्रकारों को बताया तो बहुत ज्यादा भीड़ लग गई फिर डॉक्टर सीओमो साहब ने बुलाया उन्होंने जो है इसका पूरा चेकअप किया तो कहा कि विज्ञान ये नहीं बता पा रहा है कि कैसे देख ले रही है मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ आप कहते हैं कि इसको 10,000 रुपए दे रहे हैं मेरी नजर में 10,000 रुपए 10 रुपए भी नहीं है इसकी कला के सामने तो पैसा क्या कुछ नहीं है ये तो कमाल की चीज है लड़की थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच हमारी ओर से 10,000 रुपए फॉर योर वेरी वेरी ट्रेमेंडसली टैलेंटेड डॉटर कांग्रेचुलेशंस थैंक यू